नमस्कार दोस्तों, ठीक पहचाना आपने, ये गणेश आचार्य हैं। जी हाँ, फिल्म देहाती डिस्को में पहली बार अभिनय कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं देहाती डिस्को का प्रमोशन करने के लिए। इनके साथ में ये बाल कलाकार जो आप देख रहे हैं, ये सुपर डांसर फेम सक्षम हैं, जो इस फिल्म में इनके बेटे की भूमिका निभाएंगे। साथ में बहुत ही मशहूर डायरेक्टर मनोज शर्मा है। तो देहाती डिस्को और इंग्लिश वाले खिसको, तो ये देहाती डिस्को की थीम क्या है, इसको लेके हमने गणेश आचार्य से बात करी। वहीं मनोज शर्मा से बात करी कि किस तरीके की कहानी है, क्योंकि अक्षय कुमार हो, रवि किशन हो, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड का सपोर्ट फिल्म को मिल रहा है, किस तरीके की ये कहानी है कि पश्चिमी जो डांस है उसका भारतीय नृत्य के साथ टकराव कैसा होगा। उसके साथ साथ हमने सक्षम से भी बात करी कि सुपर डांसर के बाद अब बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो गई है। तो आइए इन तीनों से एक खास मुलाकात देखते हैं। मनोज जी, फिर एक बार देहाती डिस्को फिल्म लेकर के आप आए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए क्या इस फिल्म का क्या ट्रीटमेंट है, कैसी कहानी है। जैसे कि टाइटल है हमारा देहाती डिस्को, देहाती मतलब हमारे यहाँ तो नॉर्थ में क्या, सारे देहाती मतलब गांव विलेज छोटे जो रूरल एरियाज हैं, तो ये उस देहाती डिस्को मतलब डांस, देहाती डांस, तो ये हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ, जो हम लोग भांगड़ा नागिन मतलब जो हमारे है ना सब शादी ब्याह वाले, और वो डांस को रिप्रेजेंट किया इस फिल्म में। और गणेश आचार्य इसमें मेन कैरेक्टर कर रहे हैं और बच्चे के फादर बने हैं सक्षम के, और वो डांस में तो लेजेंड हैं ही, और उनका जो फ्रेम है हमारे बॉलीवुड में पूरी इंडस्ट्री में, वो एक इंडियन डांस, ऐसा डांस जो कोई भी कर सके। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, या के क्रू मेंबर्स भी बहुत अच्छे थे, और मुझे मनोज सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे गणेश सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और क्या सीखने को मिला, क्योंकि सुपर डांसर तो आप करके आए थे और यहाँ भी बिल्कुल पूरा डांस के ऊपर फिल्म बेस है। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी मतलब एक्टिंग सीखने को मिली, ये मेरी पहली फिल्म है। और इसके बाद आपको क्या लगता है कि अब ये आपकी बॉलीवुड में शुरुआत हो गई है, इस तरह के असाइनमेंट मिलते रहेंगे? बॉलीवुड में मैं कदम रखने जा रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। क्या क्या आगे और आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। ठुमरे, संजीव, देवेंद्र थापे और जैसे इनको दिया, मैं पीछे था लेकिन कोरियोग्राफी उन्होंने की थी। मतलब एक्टिंग आप पहली बार कर रहे हैं और आपके सब कोरियोग्राफर के सामने एक कोरियोग्राफर, तो अपने बारे वो कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत मेहनत की है, मेरे से काम कराना मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश की मैंने कि उनको जस्टिस करूँ, फिल्म को जस्टिस करूँ। सर, देहाती डिस्को का क्या मतलब? देहाती डिस्को मतलब देहाती गांव विलेज, और देह मतलब आत्मा, उसमें बसी हुई आत्मा देहाती होती है, और डिस्को मतलब वेस्टर्न कल्चर होता है, वेस्टर्न कल्चर और को डिस्को बोलते हैं, और हम देहाती, दोनों की फाइट है फिल्म में, इसलिए देहाती डिस्को।